राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा चूरू के सभागार में आज शहीद ए आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बिरजू सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मोतीलाल सोनी ने शहीद भगत सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी फांसी की सजा को माफ करने के लिए उन्हें माफीनामा लिखने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने खुशी से फांसी को स्वीकार कर लिया। मुख्य वक्ता ओम प्रकाश तंवर ने अपने उद्बोधन में कहा कि भगत सिंह हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। देशभक्ति और बलिदान की भावना उनके रक्त में थी। इस अवसर पर बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के मुख्य प्रबंधक दीपक शर्मा, प्रबंधक मेघराज सोनी, मंत्री पूर्णमल सोनी आदि मौजूद रहे। किसको कहेगा, कहाँ कहेगा? मैंने इनको समय दे दिया कि आप तो गोपाल चौक में का टाइम बताओ, 11 बजे आ जाइए, आ जाइए। दरी मोतीलाल ले आएगा, निकाल के मंदिर से बिछा देगा और ये सब देखकर कर देंगे। कितनी जमीन दिमाग में कोई आरोपण की तो एक समाज के सदस्य नहीं, कैसे कह रहे? फिर मैं समाज में आया, यहाँ आके मैं देखा, इनसे बात करेंगे शेर सिंह जी से, शेर सिंह जी के आदेश करके इस मामले में शेर सिंह जी ज़्यादा माहिर आदमी है। मोतीलाल की एक छोटी सी फोटो थी, इतना बड़ा लंबा चौड़ा कर दिया, वो फोटो का नमूना सामने है कि भगत सिंह जी की फोटो सामने भी हाथों हाथ ही बना दी इन्होंने, शेर सिंह जी ने। तो मैं तो इनको इस बात के लिए तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि इनके कहने से, इनके हुक्म से ओम जी ने, कोरे के साथी लोगों ने, कुल जी ने, सब ने मिलकर पूरे डेडिकेटेड होकर के पागलपन की सीमा तक जाकर के कोशिश करते हैं और जिसको कह सकते हैं दीवानापन आ जाए तो ऐसे ही आज़ादी के दीवाने शहीद भगत सिंह जी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उनके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ था लेकिन उस जीवन को उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। उन्हें पता था कि मुझे फांसी होगी लेकिन देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया और बहादुरी के साथ किया। ऐसे महान क्रांतिकारी की आज वर्षी पर मैं उनको वंदन करता हूँ। हालांकि दुख इस बात का है कि इतने वर्षों तक जो इनको सम्मान मिलना चाहिए था, जो इनकी फैमिली को सम्मान मिलना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं देश में कमी थी। अब इस साल ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कुछ भावना उनकी ज़्यादा जागृत हुई है और ऐसे सपूतों को यदि वास्तव में उनको सही रूप से पूजा जाए तभी उनके विचार अगली पीढ़ियों में जाते हैं और जब विचार अगली पीढ़ियों में जाएंगे तो आने वाले। राजल देसर में भी आज शहीद भगत सिंह ग्रुप द्वारा बलिदान दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर अध्यक्ष मुरारीलाल प्रजापत, श्रवण कुमार गौड़, सावरमल ढाका आदि मौजूद रहे। क्रांतिकारी शहीद ए आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की आज पुण्यतिथि है। इनके उपलक्ष्य में, तीनों के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आज शहीद भगत सिंह ग्रुप के सदस्यों ने मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की है और इनके जो जीवन काल का दृश्य है, इन्होंने छोटी सी एक महज उम्र में आने वाली पीढ़ी को महज संदेश दिया है कि इस महज से उन्होंने कहा है कि देश की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च प्राण न्यौछावर कर देने चाहिए। जब देश रक्षा की बात आ जाए तब अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहिए, देश के लिए बलिदान होने के लिए सबसे तत्पर और आगे रहना चाहिए। और भगत सिंह ने महज छोटी सी उम्र में इस देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है और आने वाली युवा पीढ़ी को एक बड़ा संदेश दे के गए हैं कि देश की रक्षा के लिए कभी अपने आप को पीछे नहीं रहना चाहिए। वहीं रतनगढ़ के राजकीय गर्ल्स कॉलेज में भी शहीद दिवस पर आज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर ANSS कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र कुमार सुथार, डॉक्टर गजेंद्र दान चारण, डॉक्टर पवन कुमार आदि उपस्थित रहे। बलिदान दिवस पर आज चूरू डिफेंस एकेडमी एसोसिएशन के द्वारा भी शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर दिल्ली डिफेंस एकेडमी के चेयरमैन तेजपाल धीमा, प्रबंधक कपिल झाझड़िया, करनी कृपा डिफेंस एकेडमी के निदेशक गुमान सिंह मटाना आदि मौजूद थे।
आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में चूरू डिफेंस एकेडमी एसोसिएशन के द्वारा शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, आज शहीद पे राजगुरु भगत सिंह के सभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सभी युवा और सभी अकेडमियों के संचालक मौजूद थे और सभी जो पूरे भारतवर्ष में शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देकर उनको फूल चढ़ाकर सम्मान किया गया।